सास बहू सहेलियां, शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी अभी से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही होती है। शिवानी, माँ ने बहुत हिम्मत और मेहनत से मुझे पाला है, पूरी जिंदगी मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया। शादी के बाद मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानना। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जनाब। ऑफिस में अभी का दोस्त कहता है, अरे यार, जोर की नींद आ रही है, मन कर रहा है सो जाऊं। अरे क्यों, क्या हुआ? रात में क्या कर रहा था? हाँ, जो अब नींद आ रही है। अरे यार समझ ले, घर जाने का मन ही नहीं करता। जाती ही माँ पकड़ लेती है बीवी की बुराई, और फिर कमरे में बीवी करती है माँ की बुराई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। ना सुनो तो मुसीबत, सुनो तो मुसीबत। हाँ यार, तेरी भी नई शादी हुई है, मैंने तो शिवानी को साफ साफ कह दिया भाई, कुछ नहीं करूंगी तो चलेगा, पर माँ की इज्जत हमेशा करना। अरे यार माँ को भी समझा देना, क्योंकि गलती हमेशा बीवी की नहीं होती है। खैर दिन बीतते हैं। अभी एक दिन शाम को जल्दी घर पहुंचता है कि घर में ताला लगा होता है। अभी माँ को फोन करता है। अरे बेटा, ये शिवानी जबरदस्ती पार्क में ले आई है, बोल रही थी कि माँ वॉक किया करो नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अरे वो तो अच्छी बात है ना माँ, लेकिन ना मैं घर आ गया हूँ। अरे सामने पड़ोसी के घर चाबी दे दी है, जरा अंदर जाकर चाय चढ़ा देना, मैं और बहू आ रहे हैं, वो भी वॉक करके थक गई है ना, कहीं तू उसे ना बोल देना कि चाय बना दे। वाह माँ, बहू क्या आते ही बेटे को भूल गई। ठीक है चढ़ा देता हूँ चाय, आकर छान लेना। सास बहू मजे से घर आते हैं। अरे अभी चाय बनाती हो तो ला दे जरा। माँ जी ये ज्यादा हो जाएगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाती हूँ तीनों के लिए चाय। अरे बहू, रात की सब्जी मुझे दे देना, मैं बैठ कर काट देती हूँ। तू जा। आज तेरा पति जल्दी आ गया है तो कहीं घूम कर आ। माँ तू भी चलना, साथ में चलते हैं, कई दिनों से तू भी तो नहीं गई कहीं। हाँ माँ चलो ना। अरे नहीं, वो तेरी चाची आ रही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मैं घर में ही रुक जाती हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों होकर आते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं, लेकिन लौटने में उन्हें काफी रात हो जाती है। सुबह, अरे बहू जरा अपनी चाची सास से भी तो मिल ले, मैं तो शाम को आ गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों रात भर घूमते हो। बेचारी सास को घर में अकेला छोड़कर। अरे नहीं, मैंने ही तो बोला था जाने को, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोगों को आने में इतनी देर हो जाएगी। शिवानी को सास की बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ जी ये लीजिए सब्जी काट दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख जा, मेरी सास बता रही थी कि तू कैसे हर काम में ढीली है। शिवानी को ये तो पता था कि सास उसे ये कहती है, लेकिन वो ही बात चाची सास से भी कर देंगी तो शिवानी नहीं जानती। हाँ चाची, किसी ने कुछ अच्छाई होती है तो किसी ने कुछ, कई बहू में ढीली नहीं होती लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज होती है। अब आपकी बहू यहाँ पे ही देख लीजिए, माँ जी बता रही थी कि। अरे बस बस बहू बस। नहीं नहीं क्या बस, अरे क्या बात करते रहते हो तुम लोग, मेरी बहू नेहा के बारे में जरा बताओ तो। अरे वो पूरा काम करती है, बैठे बैठे नाश्ता खाना सब देती है, तेरी तरह नहीं। मम्मी जी सब्जी काटो, हमें आने में रात को देर हो जाएगी मम्मी जी। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चाची सास के जाने के बाद शिवानी तैयार होकर पार्क में वॉक को निकल जाती है। वो सास को कुछ नहीं पूछती, ना ही आने के बाद साथ में बैठकर चाय पीती है, और ना ही अब सब्जी काटने लगी। कितना बुरा लग रहा है, शिवानी नाराज हो गई है। पहले तो शिवानी कितने अच्छे से बात करती, हंसती रहती और हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी। वहीं शिवानी अभी से कहती है, यार तुम्हारी माँ के लिए ना जितना भी कर दो कम है। चाची सास को कह रही थी शिवानी काम काज पे ढीली है, लो अब कर रही हूँ सारा काम, बस हाँ बात नहीं करूंगी, देखते हैं क्या करती है। वहीं सास बेटे से कहती है, अरे पता नहीं तेरी बीवी को क्या हो गया है, न बोलती है न कोई बात करती है, नहीं अब मुझे वॉक पर ले जाती है बेटा। माँ वो तो तेरा पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता है चाची ने उसे कुछ कहा है तेरे बारे में, उसे लगता है कि तू उसकी बुराई करती है। तभी वहां शिवानी आ जाती है। लगता नहीं करती है ये मेरी बुराई। अरे सब लोग परफेक्ट नहीं होते मम्मी जी, ये बताइए आपने जब उनकी बहू नेहा की जरा सी बात की तो कैसे भड़क गई चाची कि मेरी नेहा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलिए। माँ आप तो जानती हो ना कि वो कितनी तेज है, दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था, और आपको क्या लगता है
कि नेहा भाभी से उनकी पट्टी है? अरे तभी तो घूम घूम कर रिश्तेदारों के घर पर रहती है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है। वैसे मैंने शिवानी के लिए ये कहा था कि काम धीरे करती है लेकिन अच्छा करती है, ये बात तो चाची ने बताई ही नहीं, उल्टा बात का बतंगड़ कर गई। माँ दुनिया यही चाहती है, खासकर रिश्तेदार, किसी की सास को भड़का देते हैं तो किसी की बहू को। अरे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। अरे बेटा मैं क्या जानू कि किसके मन में क्या है। माँ बस तू और शिवानी ये बात जान लो कि कोई भी सुख दुख होगा तो तुम दोनों ही साथ होगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ माँ, अगर हम मिलकर रहेंगे तो अभी भी तो खुश रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश, क्यों माँ?